हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या डॉट इन। आज हम लोग बात करेंगे बीबीए के फर्स्ट ईयर के सिलेबस की। बीबीए में फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड इजी लैंग्वेज में मैंने सभी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है। आई एम श्योर कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो बीबीए का सिलेबस और उसके सभी टॉपिक्स के बारे में आपको ब्रीफ में आइडिया 100% हो जाएगा। अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। अगर आप बीबीए कोर्स के बारे में इन डेप्थ जानकारी चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी बीबीए कोर्स की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको बीबीए कोर्स से रिलेटेड काफी सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीबीए का सिलेबस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ा सा डिफर करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट सेमेस्टर में 4 एग्जाम्स होते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट सेमेस्टर में 6 एग्जाम्स होते हैं, बट ओवरऑल सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है। सबसे पहले आज हम सेमेस्टर 1 की बात करते हैं। सेमेस्टर 1 में यूजली आपको 6 सब्जेक्ट्स स्टडी करने होते हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स का होता है और पार्ट बी बिजनेस स्टैटिक्स का होता है। चौथा होता है इकोनॉमिक्स, माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स। पांचवा होता है इंडिया सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम एंड करंट अफेयर्स। और सिक्स सब्जेक्ट होता है इसेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं। ये बेसिकली एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें कंपनी अपनी इनकम को, अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, कैश फ्लो को समराइज करती है, एक्सप्लेन करती है कि कंपनी क्वार्टरली या फिर ईयरली कैसा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है। एंड इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के प्रोसेस को ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। ये स्टेटमेंट बेसिकली इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर, कस्टमर्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसमें 25-30% तक थ्योरी एंड 70-75% तक प्रैक्टिकल वर्क होता है। आर्ट्स एंड मैथ के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ एडजस्ट करने में, जबकि कॉमर्स के स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड उसके कंसेप्ट के साथ काफी फैमिलियर होते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट बेसिकली आपको मैनेजमेंट एजुकेशन से इंट्रोड्यूस कराता है। इस सब्जेक्ट के थ्रू आप मैनेजमेंट के बेसिक्स को समझते हैं। देखिए, 6 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो किसी भी बिजनेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होते हैं। इसमें पहला है मटेरियल, दूसरा है मैन पावर, तीसरा है मशीन, चौथा है मेथड्स, पांचवा है मनी और छठा है मार्केट। इन 6 एलिमेंट्स को प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल करना मैनेजमेंट का सार है, ऑब्जेक्टिव है। और आप ह्यूमन एफर्ट से, लीडरशिप से इन 6 एलिमेंट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यही पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। देखिए, जब भी आप बिजनेस डिसीजन साइंटिफिक डेटा के रेफरेंस से लेते हैं तो उनके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपको इसी तरह के मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल टूल्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि डिसीजन मेकिंग में काफी इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है, उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपके पास 11th या 12th में इकोनॉमिक्स होगी तो आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जरूर आइडिया होगा, आप इससे जरूर फैमिलियर होंगे। देखिए, जितने भी बड़े बिजनेस डिसीजंस होते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, सर्विसेज लॉन्च होती हैं, उन डिसीजंस को लेने में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके सेकंड सेमेस्टर में होती है। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें बेसिकली उन फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है बेस्ड ऑन विच कंज्यूमर टेक्स डिसीजन अबाउट व्हाट टू बाय, सेल एंड प्रोड्यूस। इंडिविजुअल एंड हाउसहोल्ड्स के बिहेवियर को, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आपको इंडिया सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम एंड करंट अफेयर्स भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही स्टडी करना होता है। इन दिस यू स्टडी सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट डिफाइन एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसीज। किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स पर
काफी डिपेंड करती है और इसमें इन सभी कंडीशंस को ही आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट जिसको आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है वो है एसेंशियल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है मैनेजमेंट की फील्ड में, मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह से और इफेक्टिव बनाना है, इस पर्टिकुलर चीज की स्टडी करी जाती है। इट्स बेसिकली कंबाइंड स्टडी ऑफ द फंडामेंटल्स एंड फंक्शनल एरियाज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट, द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू सॉल्व बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स ऑन ब्रॉड स्केल, हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर बेटर मैनेजमेंट, बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर सर्विसेज। इन छह सब्जेक्ट्स को पढ़ के आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आई एम श्योर आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो आप अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर की तरफ। सेकेंड सेमेस्टर में भी प्राइमरली आपके छह सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें पहला होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिसमें प्राइमरली आप बिजनेस मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तीसरा होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, पांचवा होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और छठा सब्जेक्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, सर्विसेज, लेबर के ऊपर आपको खर्चा करना होता है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसकी अकाउंटिंग, उसका रिकॉर्ड, उसका असेसमेंट करना सिखाया जाता है। आप रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, सर्विसेज, सप्लाईज, लेबर पर कितना खर्च कर रहे हैं, आपका फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंडिचर कितना है, फिक्स जो आपको हर महीने करना होता है, वेरिएबल जो आपका ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होता है, इन सभी को एक स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, इनको ऑन द रिकॉर्ड लेते हैं, इनकी प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनाते हैं। इसी स्टेटमेंट बनाने के प्रोसेस को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं जो आपको इसमें सिखाई जाती है। सेकेंड सेमेस्टर में आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जिसमें आपको प्राइमरली बिजनेस मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको कुछ ऐसे फाइनेंशियल फॉर्मूलाज, फ्रैक्शंस, मेजरमेंट सिखाए जाते हैं जिसकी हेल्प से आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हायर रेट, सैलरी कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन एंड काफी सारे डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस आसानी से ले पाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम श्योर इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक आइडियल बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना हो और उसके साथ साथ उसकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी गवर्नमेंट के साथ साथ सोसाइटी को सुधारने की, एजुकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करें। इनफैक्ट गवर्नमेंट का इसमें लॉ भी है कि आपको अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना होता है। तो आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होता है और सेकेंड सेमेस्टर में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ना होता है। इसमें बेसिकली मार्केटिंग एंड प्रमोशन की डिफरेंट थ्योरीज, आइडियाज एंड स्ट्रेटजीज को आपको पढ़ाया जाता है। इसमें प्राइमरली आप 7 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेसेस के बारे में सीखते हैं। इन 7 elements के थ्रू आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, इसको आपको सिखाया जाता है। अब हम आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में बताते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। एक बिजनेस की सक्सेस, उसकी ग्रोथ काफी हद तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है। आपको अपने कस्टमर से कैसे कम्युनिकेट करना है, मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज से कैसे कम्युनिकेट करना है, अपनी टीम से कैसे कम्युनिकेट करना है, इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दी जाती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सिलेबस में आपको कम्युनिकेशन की थ्योरीज, प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर का आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की होती है जिसमें आपको इंडिविजुअल एंड हाउसहोल्ड लेवल पर डिसीजन मेकिंग और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को स्टडी करना होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ब्रॉड लेवल पर, कंट्री लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशंस को, डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स को स्टडी करना होता है। इन 6 subjects को पढ़ के आपका सेकेंड सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर ऑफ BBA कंप्लीट हो जाता है। आई होप हमारे इस वीडियो से आपको BBA का सिलेबस, उसके सभी टॉपिक्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया जरूर लग गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो,
तो आप हमसे WhatsApp, Instagram या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।